पहला जो मुद्दा है हमारा, जो नरसिम्हा इसको गिरफ्तार करा जाए, पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा और जल्द से जल्द आज ही शाम तक इसको गिरफ्तारी करी जाए। नहीं बजे आपको पता है सारी बिरादर जो मुसलमान है बस यही बजे और कुछ बजे नहीं है। मुसलमान होना गुनाह है आज की डेट में? तो गुनाह है जी, संविधान कहता है गुनाह नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं गुनाह है। अजीत चंद्रशेखर हमारे भारत के MP हैं और हम इनसे यही उम्मीद करते हैं जो देश का संविधान है इसके प्रति के हम चंद्रशेखर जी ने जो आज कहा वो गिरफ्तार होगा और होकर रहेगा। नहीं हुआ तो आगे जो धरना होने वाला है बहुत बड़ा धरना होने वाला है। तस्वीर आपको दिल्ली के जंतर मंतर का दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं ये तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पे ये हजारों लोगों की भीड़ जो नज़र आप आ रही है, ये मुस्लिम समाज से लोग आते हैं, जिस तरह से मुस्लिम समाज के यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर लगा हुआ है, धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे, नबी पाक के शान में गुस्ताखी माफ़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था, धरना प्रदर्शन था, इस धरना प्रदर्शन में आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हुए थे, जो आप ये तस्वीर देख सकते हैं जिस तरह से उनके स्वागत में यहाँ पे हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय और बहुजन समाज के लोग यहाँ पर थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और किस तरह से यहाँ पे ये लोग ये देख सकते हैं किस तरह से। और उसी में पोस्टर में सामने लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो कानून है जिसको भारत सरकार जिस तरह से संशोधन कर रही है उसके भी विरोध में यहाँ पे वो आए थे। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको भीड़ देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बहुजन समाज जैसे OBC समाज और अल्पसंख्यक समाज जो है उनके धार्मिक गुरुओं या उनके भावनाओं पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दिल्ली के जंतर मंतर का ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिस तरह से वो जहाँ भी जाते हैं बहुजन समाज अल्पसंख्यक समाज उनका तहे दिल से स्वागत करता है और उनके स्वागत में जिस तरह से देख सकते हैं दिल्ली का जंतर मंतर है, प्रोटेस्ट स्थल है और उनकी एक कॉल पे आप देख सकते हैं ये हजारों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। जिस तरह से कैमरामैन जिधर भी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उधर सिर्फ और सिर्फ आदमी ही आदमी देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप लोग भाई? हम दिल्ली दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से। मेट्रो स्टेशन दिल्ली से ही है? दिल्ली से ही है। क्या कहेंगे आप लोग के प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर जी आए थे? जी बहुत उनका धन्यवाद, हमारे प्रोटेस्ट में आए, उन्होंने हमारे लिए 2-4 शब्द बोले मेरे प्रेस फोन, उसके लिए बहुत उनका धन्यवाद, उनकी बहुत मेहरबानी, हमारे लिए आया, हमारे लिए कौम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। वो जिस तरह से आप लोगों के धार्मिक गुरुओं पे टीका टिप्पणी की जा रही है आप उस पर क्या कहेंगे? जी आप ही देख लो क्या करा जाए उसके लिए, जो धार्मिक बोली जा रहे हैं जो हमें तो वो है कह रहे हैं, हम तो बस हमें न्याय दिला दीजिए जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें इसके अलावा। नरसिम्हा राव जो आपके धर्म गुरुओं पर टिप्पणी की है उसके लिए क्या कहेंगे जी? जो बस उन्हें कानून कार्रवाई करी जाए उनपे, उनके खिलाफ बस, और हम उसके अलावा कुछ नहीं। कानूनी कार्रवाई की मांग है सर। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मुस्लिम समाज से जो लोग आए हुए थे वो जिस तरह से यहाँ पे साफ साफ उनका मांग है कि जो धार्मिक गुरुओं पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको कानूनी, तो ये देख सकते हैं ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से। क्या कहेंगे सर आप जिस तरह से आपके यहाँ प्रोटेस्ट में चंद्रशेखर आज़ाद जी शामिल हुए, क्या कहेंगे आप? सर सभी को नमस्कार और सलाम वालेकुम। मैं तो एक ही बात कहूँगा, 36 बिरादर को एक रहना चाहिए जिनने हमारे नबी के लिए बोला। मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। और हमारे जो ये आज का दिन है ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, यहाँ पर जंतर मंतर पर ये एकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, प्रत्याशी हूँ विधानसभा बदरपुर, तो मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पर जितने भी हमारे भाई हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यति नरसिम्हा राव जी की, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, तो अब होगी, अब होगी इंशाल्लाह। उम्मीद? हाँ जी इंशाल्लाह उम्मीद है, हाँ इंशाल्लाह होगी जी। चलिए वक्फ बोर्ड पे क्या कहेंगे आप? वक्फ बोर्ड पे ये कहना चाहेंगे, देखो जो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यह जो हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं, वक्फ बोर्ड को पहली बात तो खारिज करा जाए, वक्फ बोर्ड को खारिज करा जाए। और पहला जो मुद्दा है हमारा, जो नरसिम्हा इसको गिरफ्तार करा जाए, पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा और जल्द से जल्द आज ही शाम तक इसको गिरफ्तारी करी जाए। नहीं गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? अभी तो ये बहुत छोटा धरना है, फिर तो हम यहीं पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम यहाँ पे,
फिर यहाँ से हमारा पूरी दिल्ली पर मोदी जी के दफ्तर पे घटना लगातार होती है। आप नूपुर शर्मा जी को देख लीजिए और भी तमाम लोग हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये सुनवाई नहीं हो रही ना, हमारा कोई हमारी कौम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। हमारी कौम क्या इसके पीछे की वजह है? वजह आपको पता है, सारी बिरादर जो मुसलमान है बस यही वजह, और कुछ वजह नहीं है। मुसलमान होना गुनाह है आज की डेट में? तो गुनाह है जी, संविधान कहता है गुनाह नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं गुनाह है। क्यों, क्या कारण है? क्या कारण है आपको पता है उल्टा क्या कारण होना चाहिए? ये तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, मीडिया से ज्यादा क्या कारण होना चाहिए? ये तो आपसे लग रहा है जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है, मुसलमान डरा हुआ है? नहीं जी, खूब डरा हुआ, कोई डरा हुआ नहीं है। हौसले बुलंद, आप चारों तरफ देखो, हजारों पब्लिक है यहाँ पर, कोई डरा हुआ नहीं है, ना डरेंगे ना कुछ होगा। ना डरेगा कभी मुसलमान, हमेशा बुलंद रहेगा मुसलमान हमारा। चंद्रशेखर आजाद जी आपका बार बार नेतृत्व कर रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद करते हैं? जी चंद्रशेखर हमारे भारत के MP हैं और हम इनसे यही उम्मीद करते हैं, जो देश का संविधान है इसके प्रति के हम चंद्रशेखर जी ने जो आज का है वो गिरफ्तार होगा और होकर रहेगा। नहीं हुआ तो आगे जो धरना होने वाला है बहुत बड़ा धरना होने वाला है। चलिए, तो ये आप मुस्लिम समाज के लोगों को सुन सकते हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये टेलर था और जिस तरह से अगर यति नरसिम्हा राव को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इससे भी भारी प्रोटेस्ट ये लोग करने के लिए आमादा हो जाएंगे, क्योंकि इनके धर्मगुरुओं की बात है। जिस तरह से लगातार देखा जाए तो यहाँ पे जो ये धरना है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे, और जो यहाँ आए हुए थे ज़्यादातर ये मुस्लिम समाज से लोग थे, और जिस तरह से यति नरसिम्हा राव इनके धर्म गुरुओं पर टीका टिप्पणी किए हैं उसको लेकर ये लोग काफ़ी उग्र नज़र आ रहे हैं। और इनका साफ साफ मांग है कि अगर यति नरसिम्हा राव की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। आप क्या सोचते हैं मैं कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।